ये मेरा दोस्त है कविश और साथ में है इसके भी पूजा। ठीक है हम लोग ये रोक लेते हैं, बाय, मिलते हैं फिर। तो बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव पे, तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बस यहाँ पे। तो आज सोचा कि कैसे ब्लॉगिंग करते हुए रोड पे मरीन ड्राइव को कैप्चर करूँ और अलग ही फ्रंट कैमरा। इसमें फर्स्ट ब्लॉग, पहला ब्लॉग होने के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट मे बी आप जो साइड पे देख रहे हो वो सब मरीन ड्राइव का ही एरिया है। और पता नहीं साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है क्योंकि माइक यूज़ नहीं किया मैंने, तो मे बी शायद जितना अच्छा ना हो। और अगर लाइटिंग की बात करूँ तो लाइट तो रहती है रात में यहाँ पे मुंबई में। फाइनली वो मेरे दोस्त हैं कविश और पूजा और वो वहीं पे रुक गए हैं, तो मैं ब्लॉगिंग करने के लिए आगे आ गया हूँ। तो आज सच ये है कि आज हम रात में रुकने वाले यहाँ पे, और आज की रात में मरीन ड्राइव में ही रहना है। तो आज यही सीक्रेट है यहाँ का कि आप कैसे मरीन ड्राइव पे पहुँचे हैं आप और यहाँ पे पूरी रात रुक सकते हो आप। जैसे चलो मुंबई के हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रुकना है। अब बाजू का आप देख सकते हो कि बाजू में बीच ही है, ये पूरी रात भर रहेगा इस तरीके से। स्पेशली संडे तो ये खत्म ही नहीं होता कभी, सच यही है। उसके बाद हम जाते जा रहे हैं आगे, बस यही है, यहीं लोग आके बैठते हैं और बस बातें वगैरह करना और टाइम पास करना। हालांकि अलाउड रहता है 3 बजे तक, उसके बाद तो फिर दिक्कत होती है, बट फिर भी जो लोग जानते हैं यहाँ पे कि कैसे रुकना है 3 बजे के बाद भी, तो वो पॉसिबल होता है। बट लेकिन हाँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो पुलिस वाले उन्हें भगा ही देते हैं कि कैसे रुकना है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रुकना है यहाँ पे अगर आप उसके बाद रुकना चाहते हो। और हवा तो चल ही रही है अच्छी खासी, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। वैसे टाइम तो मैंने बता दिया आपको, और डेट की बात करूँ तो आज है 28 तारीख मई का महीना 2017, 28/5/2017। कैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम पहुँचने वाले हैं एयर इंडिया के गेट पे। एयर इंडिया का हेड ऑफिस यहीं पे है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिल्डिंग है आपको दिख रही है ये, सॉरी दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया है, बट फिर भी शो करूँगा आपको। आप पहुँचने वाले हम ट्राइडेंट होटल, ट्राइडेंट जिसे हम ओबराय के नाम से जानते हैं। 1 साल बाद की बात है जब इस होटल में करीबन शायद 12 बजे की समथिंग मैंने देखा था अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को, या 12 बजे तक की बात है, और उस समय ही भीड़ लग गई थी।
मेरे को देख रहे हैं बहुत अजीब तरीके से यार, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बस हो गया, फिर भी चलता है। हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, बट फिर भी ये पुलिस वाले की गाड़ी है यहाँ, बहुत अच्छा है यार सच्ची, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। दिन में तो गर्मी रहती है, अब देखता हूँ कितना दूर आ गया हूँ, लेकिन आने के लिए तो सोचा कि यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा, फिर उतना ही चल के जाना पड़ेगा। अगर वो लोकेशन मुझे देंगे कि वो लोग कहाँ पे, वो आगे ही है ये साइड कॉर्नर पे, ऐसे आते ही लोग बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं अपने बच्चों के साथ आकर के। ये पार्किंग है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है क्योंकि बीच है तो हवा तो हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी रहती है, हमेशा तो नहीं रहती। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ट्राइडेंट, मतलब ओबेरॉय होटल, और मैं क्रॉस करता हूं रोड जिससे कि हम शायद उसे देख सकें बहुत बेहतर तरीके से। तो बेहतर होगा कि मैं चेंज ही कर लूँ अपना। हाँ रोड क्रॉस कर ली है, अब देखते हैं ये सिग्नल ऐसे भी क्रॉस कर लूँ, क्या करना है कैसे करना है, उल्टू अंधेरा है रात में। गाड़ियाँ बहुत देखने को मिलती हैं यहाँ पे, फरारी और सब कुछ, BMW तो नॉर्मल सी गाड़ी है यहाँ पे, हर कोई लेके घूमता रहता है। हाँ कभी कभी फरारी देखने को मिलती है, मे बी समथिंग 12 के बाद, और कैसा बन रहा है व्लॉग पता नहीं मुझे, बट फिर भी पहला व्लॉग है, सोचा बनाऊँ। सैमसंग J7 प्राइम हाथ में है मेरे और उसी का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग करते करते तो फाइनली पहुँच गए हैं होटल ट्राइडेंट, होटल ट्राइडेंट, यही होटल है ट्राइडेंट, बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि अंधेरे पे हैं हम तो शायद दिख नहीं पा रहा है वो अच्छे तरीके से। अब जो क्वालिटी है मेरे कैमरे की वो भी थोड़ा सा मोबाइल से बन रहा है, तो तो इसे नया नाम दिया गया है ट्राइडेंट के नाम पे। और बाकी ये जो है यहाँ का डाइनिंग है, पुराना नाम था ओबेरॉय और न्यू नाम दिया ट्राइडेंट, फिर भी चलते चल रहे हैं द ओबेरॉय होटल आपको दिखेगा शायद। ए, 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 ए। पता नहीं आउटपुट भी क्या होगा, फिर भी देखते हैं।